अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम द आउल मीडिया स्पोर्ट्स शो में लबीबा तैमूर का सलाम। हाजिर हैं एक और एपिसोड लिए हुए। आपको बताएंगे कि किसने क्या किया और किसके करने से क्या हुआ, कहाँ खेलों के मैदान में। और हेडलाइंस पे जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा द आउल मीडिया स्पोर्ट्स शो। चलते हैं हेडलाइंस की जाने। कराची टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फवाद आलम का बल्ला चल गया। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज ने एक बार फिर सिलेक्शन को दुरुस्त साबित कर दिखाया। मुश्किल वक्त में शानदार सैकड़ा बनाया। फवाद आलम ने करियर की तीसरी और होम ग्राउंड पर पहली सेंचुरी बनाई। फवाद आलम जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स के सामने सीसा पिलाई दीवार बने रहे। क्रिकेटर की विकेट न मिलने पर प्रोटीज कप्तान डी कॉक विकेटों के पीछे फवाद आलम को गुस्से से देखते रहे। फवाद आलम को 10 साल क्रिकेट से दूर क्यों रखा। क्रिकेट दीवाने साबिक चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक पर बरस पड़े। सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे सामने आ गए। साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर फवाद आलम की मूंछों के मुतारिफ, कहते हैं मूंछे हों तो फवाद आलम जैसी हों वरना ना हों। क्रिकेटर ने साबित किया कि वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। प्रोटीज के खिलाफ टेस्ट मैच, फहीम अशरफ का जारहाना अंदाज, अफगान स्पिनर राशिद खान को भी भा गया। ट्वीट पैगाम में लिखा, फहीम अशरफ की कैमल बैट से इनिंग्स का बहुत मजा आया। जवाब में कौमी क्रिकेटर ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। आईसीसी की वनडे रैंकिंग जारी। इंग्लैंड पहले, न्यूजीलैंड दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर मौजूद, पाकिस्तान का छठा नंबर। बल्लेबाजों में कोहली का राज, बॉलर्स में बोल्ट सर फेरिस, ऑलराउंडर्स में शुकैब उल हसन टॉप पोजीशन पर मौजूद। सौरव गांगुली एक बार फिर छाती में दर्द का शिकार, बीसीसीआई सदर कोलकाता के अस्पताल में दाखिल। वॉइस ओवर की दुनिया में रमीज राजा का राज। पाकिस्तान में टीवी कमर्शियल के महंगे तरीन वॉइस ओवर आर्टिस्ट, मारूफ कमेंटेटर्स ने हाल ही में नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट के इश्तेहार में आवाज का जादू जगाया जो सुनने वाले हर दिल को खूब भाया। न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन ने उर्दू सीखना शुरू कर दी। कीवीज क्रिकेटर ने भारतीय क्रिकेटर खलील अहमद को उस्ताद बना लिया। सबसे पहले उर्दू में खलील अहमद का नाम भी बोलना सीखा। इंग्लिश क्रिकेट टीम ने लिंकन शेरों को ढेर करने के बाद भारतीय सूरमाओं का शिकार करने की ठान ली। रूट 11 ने भारत में डेरे डाल दिए। खिलाड़ी 5 रोज क्वारंटीना में रहेंगे। पहले टेस्ट में दोनों टीमें 4 फरवरी को इनएक्शन होंगी। वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स शाय होप और काइल होप का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। दोनों भाई सुपर 50 कप से आउट, दोनों आइसोलेशन में चले गए। तेज़तरीन क्रिकेट का बड़ा इवेंट T10 का मेला अबू धाबी में सज गया। 8 टीमों के दरमियान 29 मैचेस खेले जाएंगे। क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, एलेक्स हेल्स और पोलार्ड जैसे बड़े खिलाड़ी इवेंट की रौनक बढ़ाएंगे। क्रिकेट में नस्लीता सुपर मबनी जुमलाबाजी, 23 क्रिकेटर्स शिकार बने। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हरकत में आ गया। मेंस और वेमेंस क्रिकेटर्स के लिए मार्च में वर्कशॉप्स के इनकाद का फैसला, जिसमें खिलाड़ियों को ऐसे वाकयात से दूर रहने पर लेक्चर दिए जाएंगे। और बड़े स्टार की बड़ी वापसी, 2 मैचेस की पाबंदी के बाद लियोनेल मेसी का भरपूर एक्शन। कोपा डेल रे के अहम मैच में गोल स्कोर करके अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल का टिकट दिलवा दिया। तो व्यूअर्स ये थी हेडलाइंस। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएं कि फवाद आलम ने उम्मीदों का चमन फिर आबाद कर दिया। कराची टेस्ट में टीम को भरानी सूरत हाल से निकाल कर करियर की तीसरी सेंचुरी बनाई। कौमी बल्लेबाज अपनी तीनों नेस्ट सेंचुरियों को सेंचुरी में बदलने वाले पहले पाकिस्तानी बैट्समैन बन गए। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। फवाद आलम ने एक बार फिर उम्दा परफॉर्मेंस से नाकदीन के मुंह बंद कर दिए। कराची टेस्ट में जो कोई ना कर पाया वो लेफ्ट आर्म बैट्समैन ने कर दिखाया। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने प्रेशर को खातिर में न लाया और अपने ही शहर में शानदार सेंचुरी बनाकर टीम को मुकम्मल तबाही से बचाया। फवाद आलम ने 2 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 100 का हिंसा बूर किया। जारह मजाह बल्लेबाज ने टेस्ट करियर की तीसरी सेंचुरी बनाई। क्रिकेट दीवानों के दिल जीतने वाले फवाद आलम कहते हैं, मुल्क के लिए सेंचुरी बनाना हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है। कड़े वक्त में टीम का साथ निभाने पर खुशी है। मसला यही है कि अगर आप
खेलने खबर स्पिनर है आपके पास, लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर आपको बॉल कर रहा है, पैचेस भी बने हुए, अगर आप उसको सोच के बैटिंग करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल मेरी कोशिश ये थी कि बॉल के मुताबिक खेलूं, जिस तरह जहां पर बॉल आ रहा है आपने देखा होगा कवर्स पे शॉट्स भी लगे हैं, मतलब अगेंस्ट ब्रेक लगे हैं। सो आई थिंक बस कोशिश यही थी कि उसको चढ़ने नहीं देना और अपना जितना जो हम अप्लाई करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर खेलते भी रहते हैं, डोमेस्टिक भी खेलते हैं, तो जो है कि थोड़ा थोड़ा आपको पता है ना यूज टू भी होते हैं। सो इतना था कि जितना अगर आपको अपने आप को मैनेज करोगे और खेलते रहोगे सो गो विद द फ्लो, तो उसके तरह कोशिश कर रहा था कि उस तरह खेलता रहूं, अल्लाह का शुक्र है। फवाद आलम पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपनी तीनों नेस्ट सेंचुरियों को सेंचुरी में बदला। फवाद आलम ने तीन मुख्तलिफ सालों में सेंचुरियां बनाई, 2009 में पहली बार श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी बनाई, दूसरी 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ी और तीसरी 2021 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बनाई। कराची टेस्ट में फवाद आलम प्रोटीज टीम के लिए दर्द सर बने रहे। मैच के दौरान एक ऐसा वक्त भी आया जब जनूबी अफ्रीकी कप्तान आंखें फाड़ कर फवाद आलम को गुस्से से देखते रहे। आइए आपको भी दिखाएं उनका गुस्सा। And the trainers and this is test cricket. That's what you prepare yourself mentally for. Runs machine को इतने साल क्रिकेट से दूर क्यों रखा? सोशल मीडिया पर बौंचाल आ गया। क्रिकेट दीवानों ने इंजमाउल हक पर तनकीदी नज़र बरसा दिए। तफसीला जानिए इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड क्लास बैट्समैन के 10 साल जाया करने का जिम्मेदार कौन? क्रिकेट लवर्स ने सवालात के अंबार लगा दिए। फवाद आलम के मद्दाहों ने साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का तनकीदी रिमांड लिए रखा। शहर कायद में फवाद आलम की सेंचुरी पर एक सारिफ ने इंजमामुल हक के रोते हुए तस्वीर शेयर कर डाली। किसी ने इंजमामुल हक को फवाद आलम के बारे में कहे हुए अल्फाज याद करवाए। एक सारिफ ने फवाद आलम का सेंचुरी के बाद का स्टाइल पोस्ट करते हुए सवाल किया कि बताया जाए कि इनके 10 साल जाया होने का जिम्मेदार कौन है। इंजमामुल हक ने फवाद आलम को सिर्फ डोमेस्टिक का बेहतरीन खिलाड़ी करार देते हुए टीम में मौका नहीं दिया था। अफगान क्रिकेटर राशिद खान भी कराची टेस्ट में पाकिस्तानी ऑलराउंडर फहीम अशरफ की कारकर्दगी से मुतासर हो गए। अफगान स्पिनर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट पैगाम में बताया कि फहीम अशरफ की कैमल बैट से इनिंग्स देखकर बहुत लुत्फंदोज हुए, जिस पर फहीम अशरफ ने भी इनका शुक्रिया अदा किया। कौमी ऑलराउंडर ने प्रोटीज के खिलाफ 84 गेंदों पर 64 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 9 चौके भी शामिल थे। व्यूअर्स आपको यहाँ ब्रेकिंग न्यूज दें आईसीसी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए फिक्रमंद वर्ल्ड T20 के हवाले से। आईसीसी ने भारत से पाकिस्तानी स्क्वाड के वीजों की तहरीरी यकीन दहानी मांग ली है। पाकिस्तानी स्क्वाड के वीजों और सिक्योरिटी की यकीन दहानी न करवाई गई तो व्यूअर्स इवेंट खतरे में पड़ जाएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर में भारत में शेड्यूल है। तो आपको बताएं एक दफा फिर कि आईसीसी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए फिक्रमंद नजर आ रहा है। वर्ल्ड T20 के हवाले से आईसीसी ने भारत से पाकिस्तानी स्क्वाड के वीजों के हवाले से तहरीरी यकीन दहानी मांगी है। पाकिस्तानी स्क्वाड के वीजों को अगर सिक्योरिटी और वीजे ना फराहम किए गए तो इवेंट खतरे में पड़ जाएगा। जी बिल्कुल, आईसीसी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के वीजों के हवाले से इंडियन क्रिकेट बोर्ड से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है, क्योंकि पिछले साल आईसीसी के इजलास में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से यह मामला उठाया गया था कि दोनों ममालिक में कशीदगी के बायस पाकिस्तानी खिलाड़ियों को माजी में भी वीजों के इजरा में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने मामले पर जवाब देने के लिए आईसीसी से मजीद वक्त मांग लिया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर में भारत में शेड्यूल है। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कोरोना की वजह से मुल्तवी कर दिया गया था। जी उधर आईसीसी ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी है। पाकिस्तानी टीम छठे नंबर पर मौजूद है। बल्लेबाजों में बाबर आजम का तीसरा और ऑलराउंडर में इमाद वसीम का पांचवा नंबर है। कैसे इस रिपोर्ट में जानिए। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग जारी। इंग्लिश टीम का पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार, भारत का दूसरा, ऑस्ट्रेलिया का तीसरा नंबर, पाकिस्तानी टीम छठी पोजीशन पर मौजूद। बल्लेबाजों में भारत के विराट कोहली सरफहरिस्त, उनके हम वतन रोहित शर्मा की दूसरी और बाबर आजम की तीसरी पोजीशन है। बॉलर्स में न्यूजीलैंड के बोल्ट का पहला, अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान का दूसरा और भारत के बुमराह का तीसरा नंबर है। ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के शकीबुल हसन टॉप पोजीशन पर मौजूद, इंग्लैंड के क्रिस वॉक्स दूसरे, बेन स्टोक्स तीसरे और इमाद वसीम का पांचवा नंबर है। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर फवाद आलम की मूंछों के दीवाने निकले कहते हैं, मूंछे हो तो फवाद आलम जैसी, अगर वैसी नहीं तो फिर ना ही हो। उनका मजीद क्या कहना था आइए आपको दिखाते हैं। बुरा लगता है खेलते हुए, ऑड लगता है, लेकिन उसको अपनी गेम का पता है और उसने आज ये कर दिखाया है कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो, अगर आप हौसले वाले हो,
मूछे फवाद आलम जैसी बड़ी हूं, तो फिर ये कहना पड़ेगा मूछे हो तो फवाद आलम जैसी हूं, वरना ना हो, क्योंकि अगर मूछे हो तो एटीट्यूड भी हो ऐसा, तो ऐसी परफॉर्मेंसेस आती हैं। साबिक भारतीय क्रिकेटर सौरव गंगोली के सीने में दोबारा तकलीफ हो गई। बीसीसीआई के सदर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सौरव गंगोली कोलकाता के अपोलो अस्पताल के सीसीयू यूनिट में मुंतकिल किए गए। डॉक्टर ने साबिक क्रिकेटर्स का तफसीली चेकअप किया और इनको दूसरी बार एंजियोप्लास्टी कराने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तानी कमेंटेटर रमीज राजा का दुनिया के बेहतरीन कमेंटेटर्स में तो शुमार होता ही है, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि वो टीवी कमर्शियल के महंगे तरीन वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में वफात पा जाने वाले मारूफ प्रोग्राम मेजबान तारिक अजीज के बाद वॉइस ओवर की दुनिया में रमीज राजा का राज है। वो पाकिस्तान में टीवी कमर्शियल के महंगे तरीन वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। हाल ही में उन्होंने नया पाकिस्तान के इश्तेहार में वॉइस ओवर किया, जिसको मुल्क भर में खूब पजीराई मिली। क्रिकेट बहुत सीख ली, अब कुछ उर्दू ही सीख लेते हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान विलियम ने उर्दू सीखना शुरू कर दी है। कीवीज क्रिकेटर ने भारतीय क्रिकेटर खलील अहमद को उस्ताद बना लिया। दोनों की वीडियो आप भी देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खलील व्हाट्समैन है? खलील फुल नेम खलील खलील अहमद अहमद। वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स शाय होप और काइल होप का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। दोनों ने खुद को करंटीना कर लिया। वेस्ट इंडियन भाई नेशनल 50 चैलेंज कप के लिए बारबाडोस पहुंचे, जहां दोनों का कोविड टेस्ट लिया गया। रिपोर्ट आने पर पता चला कि दोनों ही कोरोना वायरस का शिकार हैं, जिसके बाद इनको आइसोलेशन में भेज दिया गया। कैरेबियन जोड़ी अब नेशनल इवेंट में शिरकत नहीं कर पाएंगे। अबूधाबी में क्रिकेट के तेज तरीन टूर्नामेंट का आगाज हो गया। इवेंट में दुनिया के नामवर खिलाड़ी इन एक्शन है। क्रिकेट को पांचवा गियर लग गया। सिर्फ 10 ओवर्स पर मुश्तमिल रंगारंग मेले का आगाज अबूधाबी में हो गया। T10 में 8 टीमें किस्मत आजमाएंगी। 29 तगड़े मुकाबले होंगे। टूर्नामेंट में क्रिस गेल, बेन डेंग, शाहिद आफरीदी, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर, शर्जील खान, मोहम्मद नबी, क्रिस जॉर्डन, एलेक्स हेल्स और पुलार्ड भी अपने अपने जौहर दिखाएंगे। इंग्लिश क्रिकेट में रवां सीजन में 23 क्रिकेटर्स नस्ली तासुब पर मबनी जुमलाबाजी का शिकार हुए। चौंका देने वाली रिपोर्ट पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड भी हरकत में आ गया। इंग्लिश बोर्ड की जानिब से सर्वे किया गया, जिसमें सामने आने वाली रिपोर्ट के बाद बोर्ड हुकाम ने बड़े फैसले सुना दिए। क्रिकेट में नस्ली तासुब को रोकने के लिए मार्च में बोर्ड की जानिब से वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मर्द और खवातीन क्रिकेटर्स को ऐसे वाकयात से बचाव के लिए लेक्चर्स दिए जाएंगे। उधर व्यूअर्स, आपको बताएं कि दुनिया फुटबॉल के बड़े खिलाड़ी का 2 मैचेस की पाबंदी के बाद शानदार कमबैक। लियोनेल मेसी ने कोपा डेल रे कप के अहम मुकाबले में वालिकानो के खिलाफ गोल दागकर अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया। आइए आपको भी दिखाएं। लिवर जा कुब्रादो अटेंशन आउट व्यू वहीं सर्जिनियो डेस्ट बाशा उस ग्रैंड्स डू फुटबॉल स्पेनियल सो लिवर अब पर टिरार डिफेंसिव सो अटैक कैटलान जूनियर फिर पोड डिसआर्मादो पर आंद्रेस मार्टिन पर सोफ्रे फाल्टा परा É de facto uma boa alternativa este Oscar Mito. O primeiro toque e toque ligeirinho. Bola chegar até Antoine Griezmann. Sai Dimitrievski para agarrar. Guarda-redes Macedónio a tirar. Vir um pouquinho mais solto sobre a esquerda. Espaço para tirar o cruzamento. Bola. Então, viewers, ye tha aaj ka The All Media Sports Show. Hamesha ki tarah umeed karti hoon ki aapko pasand aayega. Apne feedback and comments dena mat bhuliyega. Abhi tak ke liye hame ijazat dijiyega. Bye-bye.